स्वागत है आपका IPL 2020 से जुड़ी एक नई और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों 14 नवंबर तक सभी टीमों को अपने रिलीज और रिटेन प्लेयरों की लिस्ट जो है वो देनी है BCCI को, जिसके बाद 19 दिसंबर को होने वाला है IPL 2020 का ऑक्शन। और यहाँ पर दोस्तों 14 नवंबर से पहले हम हर एक टीम की बात कर रहे हैं कि कौन सी टीम का स्क्वाड किस तरह का है, कौन कौन से खिलाड़ियों को टीमें रिलीज करने वाली है और ऑक्शन में कौन कौन से खिलाड़ियों को जो है वो कर सकती है खरीद। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स की। तो अगर आप भी हैं IPL के फैन, कर रहे हैं IPL 2020 का इंतजार, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली कैपिटल्स की टीम जीत पाएगी IPL 2020 का टाइटल? आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दें। दोस्तों बात करें अगर दिल्ली कैपिटल्स की, तो काफी ज्यादा बेकार हर सीजन जो है वो जाता रहा है दिल्ली कैपिटल्स का। लेकिन लास्ट सीजन 6 साल बाद ये टीम जो है वो प्लेऑफ में पहुंची थी, काफी अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा था और उसी परफॉर्मेंस को इस साल भी ये टीम जो है वो कंटिन्यू करना चाहेगी। ऐसे में दोस्तों बड़े बड़े बदलाव ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलेंगे दिल्ली कैपिटल्स की टीम में, लेकिन फिर भी कुछ बदलाव जो है ये टीम अपने स्क्वाड में जरूर करेगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनके कप्तान की। तो इनके कप्तान इस साल भी जो है वो बिल्कुल सेम रहेंगे, श्रेयस अय्यर ही रहेंगे, जो कि 6 साल बाद लास्ट ईयर अपनी कप्तानी में प्लेऑफ तक जो है वो लेकर गए थे टीम को। बैट्समैन की दोस्तों बात कर लेते हैं, तो इनके स्क्वाड जो है शिखर धवन है, पृथ्वी शाह है, कॉलिन मनरो, अंकुश बैंस, मनजोत कालरा, कॉलिन इंग्राम और ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज जो हैं वो मौजूद हैं। जिनमें से दोस्तों बात करें अगर कंफर्म रिटेन की, तो शिखर धवन कंफर्म रिटेन होंगे, पृथ्वी शाह कंफर्म रिटेन होंगे, इनके अलावा दोस्तों मनजोत कालरा और ऋषभ पंत, ये 4 खिलाड़ी जो है वो कंफर्म रिटेन है। वहीं दोस्तों बात करें रिलीज की, तो कॉलिन इंग्राम जो है वो यहां पर कंफर्म रिलीज होने वाले हैं, कॉलिन मनरो भी रिलीज हो सकते हैं और अंकुश बैंस भी शायद से रिलीज हो सकते हैं। बात करें दोस्तों ऑक्शन में कौन कौन से खिलाड़ियों के ऊपर, कौन कौन से बैट्समैन के ऊपर ये बोली लगा सकते हैं, तो इनको जरूरत पड़ने वाली है एक लोअर ऑर्डर में बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज की, जिनके लिए दोस्तों जो भी इनके पास बढ़िया ऑप्शन होंगे इनके ऊपर ये बोली लगाएंगे। यहां पर जो नाम निकल कर आ रहा है वो है इयान मॉर्गन का, इयान मॉर्गन के ऊपर ये टीम जो है वो बोली लगा सकती है, कॉलिन इंग्राम की जगह पर उनको जो है ये टीम अंदर ला सकती है। अब बात करें दोस्तों ऑलराउंडर की, तो इनके पास अक्षर पटेल, हनुमा विहारी है, जलस सक्सेना है, कीमो पोल है, क्रिस मॉरिस हैं, सलजा 2 ऑलराउंडर को ये ट्रेड कर बाहर कर चुके हैं, जिनमें सरफेन रदरफोर्ड हैं और जेस सुचित हैं। तो ये सारे इनके पास ऑलराउंडर थे जिनमें से 2 ऑलराउंडर का ये ट्रेड कर चुके हैं। अभी बात करें कंफर्म रिटेन की, तो अक्षर पटेल कंफर्म रिटेन है, कीमो पोल, क्रिस मॉरिस ये कंफर्म रिटेन है, इनके अलावा हनुमा विहारी भी जो है रिटेन हो सकते हैं। वहीं दोस्तों बात करें ऑक्शन में कौन से ऑलराउंडर के ऊपर ये बोली लगाएंगे, तो ये बोली जो है 1-2 ऑलराउंडर्स के ऊपर लगा सकते हैं, इनको जरूरत पड़ सकती है, जिनमें सबसे बढ़िया ऑप्शन जो है वो हो सकते हैं ग्लेन मैक्सवेल, जो कि दोस्तों पहले भी इन्हीं के स्क्वाड में थे और एक और बार दिल्ली कैपिटल्स की टीम अपने पुराने स्टार ग्लेन मैक्सवेल को जो है जरूर खरीदना चाहेगी। अब दोस्तों बात करते हैं यहां पर स्पिनर्स की, तो काफी सारे स्पिनर दिल्ली कैपिटल्स के पास हैं, जिनमें दोस्तों अमित मिश्रा हैं, राहुल त्रिवाटिया हैं, संदीप लमिछाने हैं और 2 बढ़िया स्पिनर को ये ट्रेड कर भी लाए हैं, जिनमें रविचंद्रन अश्विन है और मयंक मार्कंडे हैं। तो काफी सारे यहां पर स्पिनर हैं दिल्ली कैपिटल्स के पास, रिटेन सारे के सारे होंगे। रिलीज की अगर बात करें तो राहुल त्रिवाटिया बस रिलीज हो सकते हैं। वहीं दोस्तों ऑक्शन में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि किसी स्पिनर के ऊपर अब बोली लगाए दिल्ली कैपिटल्स की टीम। और एंड में दोस्तों बात करते हैं फास्ट बोलर्स की, तो फास्ट बोलर इनके पास दोस्तों ईशांत शर्मा, किंगिसो रबाड़ा, ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान, अयप्पा, हर्षल पटेल और नत्थू सिंह, काफी सारे इनके पास फास्ट बोलर हैं, जिनमें से कंफर्म रिटेन की बात करें तो रबाड़ा कंफर्म रिटेन है, ईशांत शर्मा, ट्रेंट बोल्ट और आवेश खान, ये सारे प्लेयर जो है वो कंफर्म रिटेन है, इनके अलावा किसी को भी ये टीम जो है रिलीज कर सकती है। वैसे काफी ज्यादा मुश्किल है कि ये फास्ट बॉलर के ऊपर ऑक्शन में बोली लगाए, फिर भी 1-2 फास्ट बॉलर को जो है टारगेट कर सकती है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। तो दोस्तों ये बात हुई दिल्ली कैपिटल्स की, जहां पर हमने इनके करंट स्क्वाड के बारे में बात किया, कौन कौन से खिलाड़ियों को ये बाहर कर सकते हैं, कंफर्म रिटेन की बात करी, साथ ही साथ ऑक्शन में इन्हें किन किन खिलाड़ियों की जरूरत पड़ने वाली है। आपको कैसी लगी दोस्तों ये वीडियो, आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दें। आपको क्या लगता है दिल्ली कैपिटल्स की टीम क्या टाइटल जीत पाएगी, आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दे। और अगली वीडियो आप कौन सी टीम पर देखना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।